मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुदार के मार्गदर्शन में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार सोनकर द्वारा रेडक्रॉस द्वारा संचालित बाल आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। निरीक्षण में प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया द्वारा बच्चों के खाने रहने शिक्षा खेलकूद की व्यवस्था संबंधित जानकारी उपस्थित कर्मचारी गणों से ली जाकर बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया गया एवं उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर द्वारा बच्चों से संवाद कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरणादायक बातें बताई व साथ ही रेडक्रॉस द्वारा संचालित बाल आश्रय की व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार कराए जाने के निर्देश दिए व समस्याओं का निराकरण कर प्राधिकरण को अवगत कराने की बात कही। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन रेडक्रॉस द्वारा संचालित बाल आश्रय के कर्मचारी गण उपस्थित थे।